नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोविड-19 की तीसरी लहर देश भर में वर्तमान समय में देखने को मिल रही है कि अब चीन की तरफ से एक नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश भर में कोविड-19 के नए मामले सामने आने के बाद रोजाना लाखों लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। इस बीच चीन के वुहान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के नए वेरिएंट नियोकोव को लेकर चेतावनी दी है, जो दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया है। वुहान के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस बहुत ही ज्यादा संक्रामक तो है ही, इसके साथ जो चिंताजनक बात वैज्ञानिकों ने बताई है वो ये कि ये घातक भी है और इससे संक्रमित 3 मरीजों में से 1 मरीज की जान भी जा सकती है। वहीं रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार नया कोरोना वायरस नियोकोव भी MERS-CoV वायरस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले साल 2012 और 15 में पश्चिम एशिया के देशों में इसके प्रकोप का पता चला था। हालांकि राहत की बात यह है कि नया कोरोना वायरस नियोकोव अभी इंसानों में नहीं फैला है और दक्षिण अफ्रीका में अभी ये वायरस चमगादड़ों में पाया गया है। अभी तक ये वायरस केवल पशुओं में ही देखा गया है। BioRxiv वेबसाइट पर प्रकाशित रिसर्च के अनुसार SARS-CoV-2 की तरह नियोकोव और उसका नजदीकी सहयोगी PDF-2180-CoV भी इंसानों को संक्रमित कर सकता है। वुहान यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के शोधकर्ताओं के मुताबिक इस नए कोरोना वायरस के इंसानों की कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए केवल एक म्यूटेशन की जरूरत है। चिंताजनक यही है कि रिसर्च में कहा गया है कि नए वायरस नियोकोव में वर्तमान SARS-CoV-2 कोरोना वायरस और MERS-CoV के गुण हैं, जो उसे अत्यधिक संक्रामक बनाते हैं। शोध में कहा गया है कि नियोकोव वायरस में MERS की तरह ही बहुत ज्यादा मरीजों की जान जा सकती है और यह आंकड़ा प्रत्येक 3 में से 1 मरीज का हो सकता है, जिसके बाद अब भारत में भी स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में भारत ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। इसी लहर से निपटने की कोशिश भारत भर में जारी है, लेकिन इन सब के बीच चीन की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के बाद स्वास्थ्य महकमा फिर से परेशान नजर आ रहा है। साथ ही साथ कोविड-19 को जड़ से खत्म करने को लेकर वैज्ञानिक भी लगातार काम में जुटे हुए हैं। हालांकि अब तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार आने वाले समय में परेशानी बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।